देखिए, यहाँ तक जो हमें करना है क्या, डायलेक्टिक को इंसर्ट करने पर कि कैपेसिटी क्या हो जाती है। तो प्रीवियस क्लास के अंदर सब कुछ देख लिया था, थोड़ा सा एक्सप्रेशन रह गया था। तो ये दे रखा है आपको कोई कैपेसिटर जिसकी इनिशियल वैल्यू सारी ये दे रखी है कि सी आई का मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस, सी इनिशियल चार्ज क्यू, इनिशियल वोल्टेज वी, डी इनिशियल रेजिस्टेंस डी, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि अभी हमने कोई मीडियम नहीं रख रखा एयर के अलावा। तो एयर है तो इसके लिए ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट मतलब सिग्मा नॉट, इसका सिग्मा बोल देते हैं, सिग्मा या सिग्मा नॉट क्यू बाय ए, है ना, सरफेस लीनियर सरफेस, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, ये कितना हो जाएगा ई इनिशियल। ठीक है, ये ई इनिशियल है, ये ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट कर दी, तो हमें पता है कि इसके कारण जो पोलराइजेशन के इस तरह से डाइपोल्स सेट होंगे कि एक तरफ माइनस, कुछ हिस्सा माइनस का हो जाएगा, कुछ हिस्सा प्लस का होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी होगी ईपी, और ये ई नॉट जो फाइनली ओवरऑल पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर रही होगी। तो ये हो गया ई नॉट माइनस ईपी, या एक्चुअल में बोले तो ये इसके इस पूरे की है, इसकी डायलैक्ट्रिक की। तो वो देखते हैं कि वो कैसे हो जाएगा। तो ई नॉट माइनस सी पी, और हमें पता है कि जो भी फाइनल होता है वो इनिशियल का 1/k टाइम्स होता है, तो इनिशियल का 1/k टाइम्स होना है। ठीक है, सो हमारे पास ई फाइनल आ चुका है साहब, ई फाइनल इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ई के। एक्चुअल में ये इस तरीके से भी बोल सकते हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट से आया है, या फिर आप उस मेथड से भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक, सॉरी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप डिफाइन कर दें। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कैसे किया गया है कि द रेशियो ऑफ फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इनिशियल अपॉन फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी क्या मतलब, इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियल अपॉन फाइनल को बोला जाता है क्या, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ई इनिशियल कितना है ई नॉट, और ई फाइनल कितना है ई नॉट माइनस ईपी। तो इसको यहाँ से कहते हो, ये दो चीजें बताई हुई रहती हैं, आप कैसे भी कर लो, ज्यादा बेटर है। हमने शुरू से सीख रखा है कि ये ऐसा होता ही है, फोर्स भी हमने चेक कर रखा है कि किसी मीडियम में रखने पर जो फाइनल फोर्स है वो 1/k टाइम्स हो जाता है इनिशियल एयर का। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, इंक्रीज हम समझ ही चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है तो पोटेंशियल भी रिड्यूस हुआ होगा, और पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें पता होता है कि सी फाइनल अगर हमें लिखना है तो सी फाइनल क्या लिखेंगे सर, सी फाइनल विल बी इज इक्वल्स टू क्यू फाइनल अपॉन वी फाइनल, और क्यू फाइनल तो क्यू ही रहेगा, टोटल चार्ज तो क्यू ही रहेगा अभी यहाँ पर। ठीक है, अगर टोटल चार्ज क्यू ही हम लेकर के चल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा वी फाइनल, लेकिन वी चेंज हो चुका होगा, है ना, वी चेंज हो चुका होगा, तो ये कितना हो जाएगा ई फाइनल इंटू डी, डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं। ई फाइनल कितना हो चुका है साहब आपके पास, ई फाइनल हो चुका है ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के इंटू डी, के चला गया ऊपर, के क्यू, और क्यू को लिख देंगे साहब हम सिग्मा ए, सिग्मा ए, और ई नॉट को लिख दें ए, तो चला चुका है ऊपर। ये यहाँ तक तो वैसे मैं कल समझा ही चुका था, बस ये एक स्टेप करनी बाकी रह गई, वो स्टेप ये रही, देखो ये चला गया ऊपर, क्यू को लिख दिया सिग्मा ए, और ई नॉट को लिख दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म हो गया ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो इसकी वैल्यू होती है, तो आपके पास आ गया सी के सी नॉट, या के सी जो भी आप लिखना चाहो, के सी या के सी नॉट, इनिशियल का के टाइम्स हो गया के, क्योंकि ग्रेटर देन टू वन होती है तो सी फाइनल सी इनिशियल से ज्यादा होगी। तो ये हमने बोल दिया साहब कि यहाँ पर कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है। तो डेरिवेशन कल ही खत्म हो गया था मेरे हिसाब से, बस या तो ये स्टेप बच रही होगी या ये स्टेप बच रही होगी, कोई सी भी एक स्टेप बच रही होगी, उससे आंसर आ चुका होगा। ठीक है भाई, कितने को समझ में